अरे वीरो, जय भीम, जय पार्थ, नमो बुद्धा। असी लगातार काफ़ी चर्चा च बने रहिंदे आ, और बहुत सारे साथी किसी एक विषय ते कई दिनों तक विचार करते रहिंदे। और जदों कोई संगठन होंद चाहुंदा है जां समाज संगठन बनाउंदा है तां इहदा इक्को ही अर्थ हुंदा है कि वह सब लोग जिन्हां दी समझ इक्को जी हो जाए, जिन्हां दा मकसद इक्को जिहा हो जाए, जिन्हां दा जिउणा इक्को जिहा हो जाए, मरना भी इक्को जिहा हो जाए, और जिन्हां दी दिशा इक हो जाए, अग्गे वधना इक्को हो जाए, रुकना एक तरह का हो जाए, भाव एक मिकता पैदा हो जाए, वो लोग संगठित लोग कहते हैं। जदों तक तुसी विचार करते हैं तो विचारों के पहलू अलग अलग हो सकते हैं कि इस पहलू तो यह बनती है, इस पहलू तो गल यह बनती है। अगर इस पहलू नूं मूहरे रखांगे तां उहदा नतीजा इह निकल सकदा है। इह विचार गोष्ठी है। जदों तुसीं अपनी विचार गोष्ठी नूं अपने संगठन दे उत्ते लागू करोगे तां हर आदमी जिहड़ा भी मामूली फर्क रखदा है उह संगठन नूं तोड़ देगा। विचार करना, गोष्ठी करना, चर्चा करना एक चीज़ है, संगठित होना दूसरी चीज है। संगठित होना बहुत विशाल चीज है। तो मैं असल विच जदों असीं धम्म संघ दे विच चर्चा करते हाँ तो साढ़े सामने जीवन दे विशेष पहलुआं ते अलग अलग विचार सामने आउंदे आ, पर तुसी देखो कि उन्हां दे विचकार एक लड़ी चल रही हुंदी है जिहड़ी बहुत सांझी हुंदी है। और वो जिहड़ी सांझी लड़ी चल रही है अंदर, थोड़ी भावना चल रही है सांझी, थोड़ा मनोरथ सांझा चल रहा है, थोड़ी दिशा सांझी चल रही है, उस नूं संगठन कहिंदे आ। संघ दा मतलब संगठन है, अलग अलग लड़ियां नूं जोड़ के बनाउणा, ताकतवर करना, इहनूं संघा कहिंदे। संघा मंजे दे संघा हुंदा ना, कि ये 12 कलिया है, ये 9 कलिया, ये 10 कलिया, ये 8 कलिया। कली दा मतलब कली चीज़। तो जदों 8 धागे जोड़ दिते जाण, 8 लड़ियां जोड़ दित्तियां जाण, तो 8 कलिया बजदा है, उहनूं संघा कहिंदे आ। 9 कलिया 9 लड़ियां, 10 कलिया 10 लड़ियां, 12 कलिया 12 लड़ियां, मतलब 12 धाग्यां दा संगा। एक धागा एक सूत का जड़ा उन्हों धागा कहा जाता है, दो नू जोड़ा कहा जाता है, पंजा नू पांजा कहा जाता है, सत धाग्या नू साता। इहदा मतलब बहुत संगठित हो रही चीज जुड़ रही है, इहदा मतलब शक्तिशाली हो रही है, मजबूत हो रही है, इहदा मतलब उहदा टुटना जड़ा वह घट रहा है, उसकी शक्ति जिहड़ी है वह टुटन वाली नहीं बन रही, जुड़न वाली बन रही है। तो ज्यों ज्यों धागे अलग होंदे जाणगे शक्ति बिखरदी तुरी जाएगी। इस प्रसंग च मैं मित्रों, मेरे वीरो, मैं एक नवीं चीज़ तुहाडे सामने रखना चाहुंदा हां। यह नवीं चीज़ है कि पंजाब दे अंदर, खास करके असी जिथे पंजाब दे लोग रह रहे हैं, उस खेत्र दे विच, और जितों तक असी फैले हुए हैं उतों तक साड़ियां अनेक जातियां हैं, और उहदे विच एक जट जाति है। जट जाति दे विच अलग किस्म दे गुण ते औगुण है, उहदे पहलू अलग है,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਔਗੁਣ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਦਾ ਸਵਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੱਟ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜੱਟ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜੱਟ ਜਾਤੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੱਟਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਜੱਟ ਜਾਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੌਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੱਟ ਜਾਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਕਰਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਸੰਤਾਪ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਜੱਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜੱਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਭੋਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਭਿੜਨ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੁੰਡੇ ਪੱਟਣ ਕਰਕੇ ਭੋਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੰਗ ਅੜਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਭੋਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਉਸ ਜਾਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਟ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜੱਟ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਜੱਡ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿੱਤਰੋ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਣਪਾਂ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੂਰਖਤਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ
अपना विरोधी पक्ष पेश करते रहे और दूषणबाजी करते रहे कि फलां फलां जातियां उन्हां दा रवैया माड़ा है, सही नहीं है। पर जदों ही असीं उन्हां दे बराबर खड़े होए उठ के तां असीं उही माड़ा रवैया अपने अंदर पैदा करिया। इहदी उदाहरण मैं तुहानूं दो तीन जातियां जिहदे नां खास करके चमारा ने बहुत वड्डा विरोध पैदा किया, मजहबिया ने ते वाल्मीकिया ने बहुत वड्डा विरोध खड़ा किया, होर कोई जाति तरखाण नाई छिंबे चौर जलाहे कबोर राय सिख इन जातियां ने जा सैणी है जड़े इन जातियां ने कदे पंजाब की जट जाति लैके अपना विरोध प्रगट नहीं किया, ना उन्होंने कदे इनू तरजीह दी है। पर जिहड़ियां मूल तौर पर दो जातियां सब तो वड्डियां पंजाब दियां 40% जिहड़ियां जातियां उन्हां दे विच्चों वड्डी गिणती है जिहड़ी 90% वह मजहबी ते चमार है, मजहबी वाल्मीकि जां चमार। इन्होंने सीधा प्रतिक्रम किया है जट जाति दे वतीरे दे खिलाफ, और एक कुदरती है, ये कोई मन्ने या ना मन्ने एक कुदरती ही कुछ होना और ये वाजब है। ये कुछ भी ना गैर कुदरती है ना ना वाजब है, ये समाजिक वर्तारे दे टकरा है। पर सवाल मेरे सामने जड़ा है अज मैं थोड़े ना सांझा कर रहा हाँ वो ये है कि की चमारा ने अपने आप नू सियाने बनाया, कि मजहबिया ने वाल्मीकिया ने अपने आप नू सियाने किया, या वो बुराइयां जिहड़ियां वो जट च देखते रहे जट जाति च वेखते रहे जां उहदे वतीरे च वेखते रहे कि वह इन्हां ने छड़ियां की उन्हां तों पासा वट के रहे? मेरा जवाब है नहीं रहे। जिस तरह के विरोधी रवैये के खिलाफ खड़े हुए उस तरह का रवैया इन्हां दा रहा। मैं जट्टां बारे एक होर गल जिहड़ी दुबारा कहना चाहुंदा हां वो ये है कि पंजाब के जट्टां ने जदों भी संगठन कोई खड़ा किया है, जदों भी वो जुड़े है धर्म के नाते जुड़े है किसी लहर के नाते जुड़े है, उन्होंने एक दिन आके आपसी जी लड़ पड़ के अपना जिहड़ा महल है जां अपना असारिया किला है उहदी अट नट खड़काती। एक ये उन्हां दा मौलिक करैक्टर है उन्हां दा, कि उन्होंने इस तरह करना ही है। मैं इहनूं इस करके नहीं लै रहा कि मैं किसी तरीके नाल जट जाति दे खिलाफ कोई चीज़ कह रहा, अज मैं इस तरह नहीं सोचता। मैं अपने आप नूं बहुत ज़्यादा सवार रहा लगातार और बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां पहला होंद च रही है उन्होंने होर सही ढंग की हुंदा है जिंदगी का उन्होंने अपना दे बना दे यतन कर रहा। मैं जो सच है मैं पहला भी कहता जी, जो सच है हूँ भी कहगा कि जट जाति का एक अपना करैक्टर है, कबीला ही करैक्टर है वह, कि किसी भी संगठन के जदों भी वह कट्ठे होंगे है तो लंबे समय तक नहीं चलते, बड़ी तेजी नाल वह वधदे आ, तेजी नाल वह जकारे छड़दे आ और फिर तेजी नाल ही वह आपस में ही खेंदे आ और तेजी नाल खेण तो बाद वह जल्दी फिर वह कड़ा कड़ा करके टुटदे आ और बुरी तरह टुटदे आ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੱਟ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਭੋਗਿਆ ਜਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੋ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਅਤੇ ਚਮਾਰ ਉਹ ਜੱਟ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ। ਵੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣੀ 80 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ, ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਛੂਆਛਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 90% ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੂਆਛਾਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਛੂਆਛਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਰੇਅਰ, ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੱਟ ਜਾਤੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਰਚ ਗਈ ਚੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਾਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਣਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੱਟ ਜਾਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਚਮਕਿਆ ਤਾਂ ਘਟੀਆਪਣ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਚਮਕਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਟੀਆਪਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੱਟ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਘਟੀਆਪਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਚਮਾਰ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹੀ ਉਜਾਡਪਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰ ਜੱਟ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੱਟ ਜਾਤੀ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਅਤੇ ਚਮਾਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੂਰਖਤਾ ਚਾਹੇ ਜੱਟ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਚਮਾਰ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਜਲਾਹੇ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਮੂਰਖਤਾ, ਇਹ ਉਜੱਡਪਣਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ
एक जाति मालक जाति है उदे जडपुणे च, ते एक गुलाम जाति जिहड़ी उदे जडपुणे च फर्क आएगा, उदे रोब दाब च फर्क होएगा। एक जाति दा रोबदार इस करके ज्यादा है रोबदारी उहदी क्योंकि वो हाकम जातियां शामिल है, उतलियां जातियां शामिल है। तो नीवी जाति का वही जडपुणा वो घटिया नजर आएगा क्योंकि वह गुलाम जातियां शामिल है। बस ये फर्क है, बाकी जडपुण च कोई फर्क नहीं, मूर्खता च कोई फर्क नहीं है, सियाणपां च कोई फर्क नहीं। मैं ये जरूर कह सकता है कि पंजाब दियां दलित जातियां अंदर ज्यों ज्यों अंबेडकर बुद्ध कबीर नानक फूले अंबेडकर ज्यों ज्यों ये ज़्यादा प्रवेश करते गए हैं त्यों त्यों सियाणपां वधदियां गई हैं। पंजाब दी जट जाति च नानक ते गुरु गोबिंद सिंह इन्हां तो बिना तीसरा बंदा प्रवेश नहीं करता, जदों के दलित जातियां दे अंदर जिहड़े अंबेडकरी लोग है बोधी लोग है इन्हां दे अंदर कल्ले भारत दे महापुरख ही नहीं, दुनिया भर दे सब तो सियाणे पुरख भी शामिल हो जांदे आके। ਇਹ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਇੱਥੇ, ਲੈਨਨ ਵੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਇੱਥੇ, ਲਿੰਕਨ ਵੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਇੱਥੇ, ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿੰਗ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਵੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਇੱਥੇ, ਮੰਡੇਲਾ ਵੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਇੱਥੇ, ਮਾਓ ਵੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਇੱਥੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੇ ਇੱਥੇ। ਜਾਣੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ कि अंबेडकरी धारा दे विशालता बहुत ज्यादा है, बहुत विशाल है। पर जदों ही कोई सिख हो जाता है तो जदों ही कोई अमृत छक लैंदा है वो बजाय इस दे कि वो संसार तक जावे वो आदमी नानक ते गुरु गोबिंद सिंह तक बंद हो जाता है, वो डब्बा बंद हो जाता है। ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦੀ। ਜਾਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੈ ਖਾਸ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਨਾ ਕਿ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਹੈ, ਚਮਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਂਬਾ ਹੈ, ਨਾਈ ਹੈ, ਜੱਟ ਹੈ, ਤਕਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਜਲਾਹਾ ਹੈ, ਬੋਰੀਆ ਹੈ, ਸਾਂਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਿੱਦੜਕੁੱਟ ਹੈ, ਗਦੀਲਾ ਹੈ, ਧਾਨਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੋ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਜੀਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੰਗੜ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਾੜੀਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਨੀਵੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਨੀਵਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਕੁਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਇਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ,
पर जे जटा दी कुड़ी नाल कोई दलित पछड़िया बलात्कार कर जाए जां उहदे नाल कोई छेड़खानी कर जाए तां उत्तरी भारत दे विच हंगामा खड़ा हो जांदा है। ये आजादी का करैक्टर एक जेड़ी जाति बलात्कार करनू भी अपना अधिकार मनती है और हंकार करती है इस गल ते जदों उहदे नाल किते अजिही कमीनगी हुंदी है तो वह चड्डियां च पूछ दे लैंदी है। यह भी जाति करैक्टर एक हुण मेरे वीरों मेरा कहण दा मतलब यह है कि जदों जट जाति दे रवैये मुताबक मजहबी चमार वाल्मीकि खड़ा हुंदा है तो वह अपना जाति करैक्टर कायम रखता है। वह मजहबी ते वाल्मीकि बनया रहना चाहता है, वह चमार बनया रहना चाहता है, वह बदलना नहीं चाहता। मजहबी है तो मजहबीपण नूं उभारदा है, चमार है तो चमारपण नूं उभारदा है, वाल्मीकि तो वाल्मीकिपण नूं उभारदा है, जे जलाह तो जलाहे उहनूं उभारदा है। हुण जलाहे अपने आप नूं जां तां रहिंदीए सिख कहाउंदे आ जां खालसा बरादरी कहाउंदे आ, बई जे जलाहे कल्ले खालसा बरादरी है तां बाकी कौण आ बई। जलाहे नूं इह पुछिआ जा सकदा है कि जे जलाहे ही खालसा बरादर है तां बाकी कौण आ फिर, पर नहीं इह सवाल कोई नहीं उठाएगा, बस खालसा बरादर है तां मतलब जलाहे आ, इह रहिंदीए आ, ये कूकिया वांगू है, जिवें कूके चूका बाकी च रहिंदे आ ना, इस तरह जलाए चूका बाकी च रहिंदे आ। ये दिमागी बौना पाणा मनुख दा। हुण मजहबी ते चमार ते वाल्मीकि इन्हां दी दुरदशा समाज च सब तो ज़्यादा नीवियां जातियां च होण करके होई, पर ज्यों ही इन्हां ने अपने आप नूं विरोध दे विच खड़ा कीता तो इन्होंने सियाणपां कट्टियां नहीं कीतियां, विकसित नहीं होए, और उहदी इक वड्डी उदाहरण मैं तुहानूं दसणा चाहुंदा हां कि मजहबी वाल्मीकि ते चमारां दे विच इट कुत्ते दा वैर पै गया। इस वेले बहुत घट लोग आ इन्हां जातियां चों जिहड़े इस चीज़ नूं बर्दाश्त नहीं करते और इहदे ते दंदियां वढ़दे आ कि की बकवास है। पर 80% लोग है जिहड़े उन्हां दे अंदर वाल्मीकि होण दा, मजहबी होण दा ते चमार होण दा हंकार है जिहड़ा वह सत्तवें समान तक पहुँच गया। हुण ते जट नूं तुसीं दोष किवें दोगे बई, जे थोड़ा हंकार सत्तवें समान ते है तो सत्तवें समान ते बैठे जट नूं दोष किवें दोगे, किवें बुरा कहोगे उन्हूं, किस गल्लों बुरा कहोगे? कि तुसी अपनियां करतूतां बदल लिया, कि तुसी अपनियां सियाणपां बदल लिया, कि तुसी अपने आप नूं विकसित कर लिया? कि थोड़ी गल है जिहड़ी उह जट्टां ते जां दूजियां जातियां ते असर रखदी है? अगर नहीं रखदी तां फिर किस गल दा हंकार किया जा सकता है, किस गल का घमंड किया जा सकता है, किस गल करके तुसी अपना सिर उठा के चल सकते हो? इहदा मूल कारण की है कि दलित ते पछड़ियां जातियां जां उन्हां चों कहो कि मजहबी ते चमार ते कुछ होर जातियां दे लोग इह अंबेडकर दी धारा चों जदों उभरिया तां निश्चित ही इन्हां दे अंदर बहुत वड्डियां सियाणपां पैदा होईआं, ते जिन्हां लोकां दे अंदर इह सियाणपां पैदा होईआं और जिन्हां लोकां ने इन्हां नूं सियाणपां नूं अपनी जिंदगी दा पूर्ण हिस्सा बना लिया है उही जातियां हैं जिहड़ियां दूजियां जातियां दे अंदर सुमेल पैदा कर रहीआं हैं, भाईचारा पैदा कर रही है। हुण मैं मेरा चाहे मैं जट जाति दे वतीरे ते बहुत कुछ लिखिया भी है, बोलता भी हाँ,
मेरी कोई दुश्मनी नहीं उन्हां नाल, असीं कट्ठे जम्मे हां, असीं इक्को मिट्टी का खाना खाते हैं, इक्को मिट्टी की पानी पीने हैं, इक्को सूरज तो असीं रोशनी लैंदे हां, इक्को हवा सानूं साह दिंदी है, असीं इस धरती का खा के कट्ठे पले हैं, कट्ठे जम्मे हैं, कट्ठे वड्डे हुए हैं, साढ़े कोई दुश्मनी नहीं है। जाति ने दुश्मनी पैदा करती, दुश्मन जाति पैदा करने वाला दुश्मन है या फिर जाति दुश्मन है, ये गल मेरी समझ है। मैं किसी बुराई का विरोध करदा जदों तो मेरे दिमाग च ये गल्लां हुंदियां सारियां, ते नाल ही मेरे दिमाग च हमेशा ये हुंदा है कि जदों जट जा लोग है जिहड़े मेरे मेरे वर्गे ही लोग है, मैं उन्होंने अपने आप तो उच्चे कदे ना मनदा है ना वो मेरे तो उच्चे आए। मैं गल मुकाती, मैं किसी ब्राह्मण नू किसी जट नू अपने तो उच्चा नहीं मनदा, ते ना ही मेरा मनना जरूरी है, ते ना ही मेरा धर्म है, ते ना ही कोई ब्राह्मण मेरे तो उच्चा, ते ना कोई जट मेरे तो उच्चा है, ना वो साबित कर सकता कि वह मेरे तो उच्चा। ये बावजूद भी मैं ये कहना चाहता है कि वह मेरे वर्गे ही मनुख है, तो मैं उन्हां वर्गा ही आदमी हाँ। जाति ने साडे विचकार दुश्मनी पाती, हुण जाति दे खिलाफ लड़ाई लड़ना, जाति नूं खत्म करना, ये है मेरा धर्म, ये मेरे पुरखां दा धर्म है, मेरे गुरु दा धर्म है, बाबा साहब अंबेडकर दा धर्म है, फुले दा धर्म है, नानक दा धर्म है, गोविंद सिंह का धर्म है, ये बुद्ध का धर्म है, ये कबीर का धर्म है, रविदास का धर्म है, नामदेव का धर्म है, सैन का धर्म है, होर पुरखों का धर्म है, तो जिहड़ा मेरे पुरखों का धर्म है जां संसार के सियाने लोगों का धर्म है वह मेरा धर्म है। इस करके मैं ये गल कहनी चाहुंदा हां कि मैं अंबेडकर धारा चो पैदा कर सकिया, अंबेडकर धारा मेरे पुरखों की विचारधारा की धारा है जो जाति के खिलाफ है, नस्ल के खिलाफ है, रंग के खिलाफ है, जाति नस्ल रंग ये खिलाफ है। हुण जिहड़े जट्टां नूं इस गल की समझ लग गई वो तो जाति के खिलाफ लड़ रहे हैं और वो मेरे नाल हमेशा उन्हां दा राबता रहिंदा है, ते जिहदा राबता नहीं भी और जाति दे खिलाफ लड़ रहा है तो मैं उन्हूं अपना आदमी मन के चलदा। इहदा मतलब इह तां नहीं भी दूजे मेरे दुश्मन हैं, नहीं, असीं एक वतीरे दे खिलाफ लड़ रहे हैं, ते जे मजहबी ते चमार तखाण जां जलाहा वाल्मीकि जाति दी मूर्खता करदा है तो लड़ाई तो वो खिलाफ भी लड़ी जाएगी। एक चमार 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 करी जाता है, एक वाल्मीकि 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 करी जाता है, एक मजहबी 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 करी जाता है, एक जलाहा अपने आप नूं जलाहा तो घट कहिंदा है, खालसा बरादरी रहदिया सिख पता नहीं की कहिंदा है, कोई रामगढ़िया बनया है, कोई प्रजापति बनया होया, कोई राजा बनया होया, ये सब लोग है जिहड़े जिहड़े जाति अहंकार दे विच एक दूजे नूं ढोडा मार रहे हैं, इसे दे खिलाफ तो लड़ाई है। जे जट जाति दे विच रवैया अपने आप नूं नहीं बदल रहा तो कि असीं बदल रहे हैं, तो कि नीवियां जातियां दा आदमी बदल रहा। मेरा ख्याल है जिन्ना जफा इस वेले जाति नूं चमारां मजहबियां ने ते वाल्मीकियां ने ठोक के पाया है, इन्हां तां जट जाति ने नहीं पाया होया। जट जाति दे अंदर बेशुमार ऐसे गुण है जिन्हां दा मैं बहुत बारी जिक्र करदा लिखदा भी रहा है कि अगर वह गुण मूहरे आ जाण तो सारा संसार कलावे च लै सकदे हां सी, पूरा संसार एक एक छोटी जी जाति दे आधार ते धर्म ते लोक अगर धार्मिक हो जाण
जानी गुरु वाले हो जाण तां पूरी दुनिया दे अंदर एक आदर्श समाज दिखाया जा सकता है। ये जटां नूं समझ नहीं लग रही, पता नहीं की गल है। जटां दे अंदर जिवें कोई हीरे मोतियां दी खाण है ना जिहड़ी, जां जिवें किसी हिरन दे धुन्नी च कस्तूरी हुंदी है, उहनूं कस्तूरी दा वास्ता आउंदा, उहनूं पता नहीं लगता ये कित्थे है। इस तरह ये जट जाति है जिहड़ी, इहदी धुन्नी च कस्तूरी है। इक धर्म भी इहदे कोल हैगा, कस्तूरी भी इहदे कोल हैगी है। इहदी समझ तों बाहर है सारा कुछ, इह और समझ तों बाहर इस करके निकल गया कि उहनूं जट जाति दे होण दा हंकार ही किसे बन्ने नहीं लगण दिंदा। हुण उहनूं मैं दोष की दिया कि चमारा नूं हंकार नहीं जाति दा, कि वाल्मीकि ज हंकार करन हट गए, कि मजहबी जिहड़े है उह जाति दा टूस कढ के नहीं चलदे, कि जलाहे ते रामगढ़िए जिहड़े है ये अपनियां टीसियां कढ के नहीं चलदे। सब चलदे है, सैणी वर्गा हंकारी कौण है? जिहड़े सैणी है इहनां दा हंकार तां मैं मेरा ख्याल चंडीगढ़ जद मैं पढ़दा सी तद तों वेख रिहा इहनां दा। मैं जानी जाति हंकार की कोई सीमा नहीं है साड़ी, ये जाति साढ़े रस्ते झड़का बनी हुई है। और मैं इतने आखिरी संदेश देना चाहना है अपने जट भरावां नूं कि मित्रों एक गल तां तुसीं मन लो कि तुसीं उच्चे नहीं तो असीं नीवे नहीं है। ये धर्म भी कहिंदा, ईश्वर भी कहिंदा, कुदरत भी कहिंदी है, और ये साबित हुंदा है। और ब्राह्मण जो कहिंदा वो गलत है, 100% गलत है। मैं ब्राह्मण की किसी गल नूं परवाह नहीं करता, पर मैं एक गल कहनी चाहुंदा है कि जे जट जाति च गुरु का धर्म प्रवेश कर जाए ना, तो दुनिया की किसी भी जाति तो ज़्यादा ताकतवर जाति है जट जाति। किसी भी जाति तो संसार की तो बहुत ऊर्जा है इहदे च। और जिन्हां लोकां ने जट्टां दे विच अंबेडकर नूं, संविधान नूं, बुद्ध नूं, कबीर नूं, फूले नूं समझण दा यतन कीता है, ये ऊर्जा उहनां च पैदा हो रही, लगातार पैदा हो रही। ते मैं उम्मीद कर रहा हां, अज मैं उन्हों दोषी ना मन के किसी तरह का, मैं ये चाहना है कि असी जाति की वलगण चो बाहर आ जाइए, ये सारा संसार साडा हो जाएगा। और साड़ी ऊर्जा इन्नी ज़्यादा है, असी सूरज की तरह है। ये मैं भरोसे नाल कह सकता है कि ये दो करोड़ लोग है सूरज की तरह, ये पूरी दुनिया नूं घुमा सकते हैं अगर ये टिकाने आ जाण। तो मैं अज ये संदेश देना चाहना है कि जट जाति दे सिख लोग है जिहड़े, इन्हां दे अंदर जिहड़ी ऊर्जा है ये उन्हां दी पछाण च आ जानी चाहीदी है। और ये ऊर्जा बहुत बहुत विशाल है, सूरज की तरह, हवा की तरह, पानी की तरह विशाल है। मित्रों मैं थोड़ी अडीक करूँगा और मैं अपने वर्गे लोगों भी कहूँगा कि आपदी आपदी जात का जिहड़ा टूस कढ़िया होया ना, ये सिंग कढ़े आ जिहड़े, इन वढ दिओ, ये थोड़े काम की चीज़ नहीं है, ये थोड़े काम की चीज़ नहीं है। इन्हां शब्दां नाल ही धन्नवाद करदा होया अपनी गल बंद करदा है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा।